أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صغير سورة الحج آيات 31-32 ان کا ترجمہ یہ ہے کہ یہی بات یا وہی بات درست ہے جو خدا تعالیٰ بیان فرماتا ہے وہ میں یعظم حرمات اللہ ہے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمات کی تعظیم فرمائے تعظیم کرے اللہ کی حرمات سے مراد یہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے معزز ٹھہرایا ہو اور جن میں بغیر خدا کی اجازت کے دخل اندازی کا حق نہ ہو ان کو حرمات اللہ کہتے ہیں تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی مقرر فرمودہ حرمات کی تعظیم کرے فہو خیر اللہ عند ربہ اللہ کے نزدیک اس کے لیے یہ بہتر چیز ہے اور تمہارے لیے خدا تعالیٰ نے انعام یعنی چوپاؤں کو جائز قرار دے دیا یعنی ان کے گوشت سے تم استفادہ کر سکتے ہو الا ما یتلا علیکم سوائے اس کے جس کا ذکر تم پر گزر چکا ہے کہ چوپایا بھی ہو اور حلال چوپایا بھی ہو تب بھی اس کا گوشت نہیں کھانا یعنی وہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو بتوں پر چڑھایا گیا ہو تو فرمایا الا ما یتلا علیکم سوائے ان حلال جانوروں کے جو عام حالات میں جو حلال ہیں لیکن کسی مکروہ تعلق کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دے دیا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور اور رجس سے جو بتوں سے تعلق رکھتا ہے یعنی ناپاکی اور گندگی جو بتوں سے تعلق رکھتی ہے یا شرک سے تعلق رکھتی ہے اس سے اجتناب کرو واجتنبوا قول الزور اور قول زور سے اجتناب کرو تاکیدن فرمایا گیا ہے حنفاء للہ غیر مشرکین بہ یہ اجتناب کن معنوں میں ہو اس کی تشریح یہ ہے حنفاء للہ جھوٹ سے پرہیز اور اللہ کی طرف جھکاؤ
यानी महज झूठ छोड़ने की तालीम नहीं है, बल्कि झूठ के बदले खुदा ताला की पनाह में आना और उससे ताल्लुक बांधना। गैर मुशरिकीन अबे ऐसा सच्चा हो कि उसमें शिर्क का कोई शायबा बाकी न रहे, खुदा के सिवा कोई किसी किस्म का शिर्क भी उसके दिल में न हो, वो शख्स है जो हकीकत में जूर से यानी झूठ से और औसान से तौबा करता है और अलहदी इख्तियार करता है। मैं युशरिक बिल्लाह है, और जो शख्स अल्लाह का शिर्क इख्तियार करे या शरीक ठहराए, फकानमा खर्रा मिन समाए, वह वो आसमान से गिरा हो, फतख्तफ तैरो, और जमीन पर गिरने से पहले उसे परिंदा उछक कर ले जाए। बाज़ दफा आपने देखा होगा गोश्त के टुकड़े ऊपर फेंके जाते हैं ताकि चीलें और कौवे वगैरह उनको उछक लें, तो जब वो नीचे गिरने लगते हैं तो बाकायदा तेजी से झपट कर कोई जानवर आकर उनको उछक लेता है। वो मंजर है जो कुरान करीम ने खींचा है, लेकिन जमीन से उठने वाली चीज नहीं है, आसमान से गिरने का जिक्र फरमाया है। और तहफी बेहरी हो फी मकान सहीख, या ऐसी चीज हो जो उखड़ चुकी हो और उसमें कोई वजन न रहे और हवाएं जिस तरफ चाहें उसे उड़ा ले जाएं, यहां तक कि किसी दूर के मकाम में, किसी ऐसे मकाम पर जिससे लोग आशना भी न हो, वहां उस गंदगी को उठाकर फेंक दिया जाए। ये शिर्क की मिसाल दी गई है। इसमें जो मरकजी नुक्ता मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं वो कौल जूर से ताल्लुक रखता है, क्योंकि मेरे गुज़श्ता खुतबे का ताल्लुक झूठ से था और मैंने बयान किया था कि आइंदा खुतबे में मैं दोबारा इंशाल्लाह इसी मौजू पर मजीद रोशनी डालूंगा। लेकिन इस आयत के ताल्लुक में एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि हुरमात अल्लाह जो हैं वो दो तरह की हैं। एक वो हैं जिनको खुदा ताला ने मौजज़ ठहराया हो, जैसे बैतुल्लाह यानी बैतुल हराम जिसे कहा जाता है, उसके मुतालिक फरमाया मैं युअज़्ज़िम हुरमात अल्लाह, वो हुरमत वाली जगह वो हैं जिनकी ताजीम करनी जरूरी है। और एक लफ्ज हराम मकरूह चीजों पर भी सादिक आता है, उनको हुरमातुल्लाह तो नहीं कहा जाता मगर हराम चीजें करार दिया जाता है, जिसके मुकाबले पर लफ्ज हलाल है। तो कुरान करीम ने यहां दोनों चीजों का जिक्र फरमा दिया है, एक वो हुरमात जिनकी ताजीम का हुक्म देता है, जैसे शायर हैं, अंबिया हैं, अंबिया के रहने के मकामात हैं, इबादतगाहें हैं, ये सब हुरमातुल्लाह हैं, इनकी ताजीम जरूरी है। और एक वो हराम चीजें हैं जिनसे इज्तनाब जरूरी है। उन हराम चीजों में दो चीजों का इकट्ठा जिक्र फरमाया गया, एक शिर्क का और एक झूठ का। जैसा कि मैंने गुज़श्ता खुतबे में इस मज़मून को खोला था, दरहकीकत झूठ और शिर्क एक ही चीज के दो नाम हैं, और जितना आप गौर करेंगे इस मज़मून पर उतना ही बात खुलती चली जाएगी कि खुदा के बाद सबसे बड़ा बुत जिसकी झूठा बुत जिसकी परस्तिश की जाती है वो झूठ है। वो बुत जिनको पत्थर से बनाया जाता था या लकड़ी या लोहे तांबे से गढ़ा जाता था, वो बुत तो किसी जमाने में पूजे जाते थे, अब तो सबसे बड़े मुशरिक ममालिक में भी गिनती के चंद हैं जो उन बुतों की परस्तिश करते हैं, वरना बड़ी भारी अक्सरियत है जो उनके नाम से नाशना है, कभी मंदिर की तरफ जाकर मुंह नहीं किया, सारी जिंदगियां दुनिया की पैरवी में ही कट गई हैं। बस वो बुत तो बहुत शाज के तौर पर अब दुनिया में दिखाई रह गए हैं जिनकी वाकियतन परस्तिश की जा रही हो, लेकिन झूठ का बुत ऐसा है कि दुनिया के हर बर्रे आजम में, हर मुल्क में, हर शहर में, हर कस्बे में, बड़ी बड़ी सल्तनतें हों या छोटी छोटी रियासतें हों, बड़ी बड़ी इक्तसादी बादशाहतें हों या गरीब की तजारतें हों, हर जगह झूठ ही झूठ है। और इस कसरत से झूठ की इबादत की जाती है कि शायद ही कभी दुनिया पर यह दौर आया हो कि झूठ की ऐसी इबादत की जाती हो। वो लोग जो बज़ाहिर सच्चे हैं, ये रोजमर्रा के मामलात में सच्चे हैं,
वो अपने बैन अल-अक़वामी इक्तिसादी मामलात में झूठे हैं। वो लोग जो अपने मुल्क में सियासत के लिहाज से साफ सुथरे हैं और कौम के सामने जवाबदेह हैं, गैरों के मामले में उनकी सियासत सरासर झूठी हो जाती है। उनके बहाने झूठे, उनके नजरियात झूठे, जिन जो उजर रखकर वो गैरों पर हमले करते हैं वो झूठे, जो उजर रखकर हमले नहीं करते वो झूठे। अब आप गल्फ के पस मंजर में बॉस्निया के हालात का जायजा लेकर देखें कि मगरबी दुनिया का रद्द अमल इन दोनों में कितना मुख्तलिफ और कितना झूठा है। वहां एक कुर्द को कोई तकलीफ पहुंचती थी तो आग बगोला हो जाते थे और कहते थे कि ये हो कैसे सकता है कि कुर्दों पर जुल्म हो रहे हों और इंग्लिस्तान खामोश रहे और अमरीका खामोश रहे। हमें चाहे ताकत इस्तेमाल करनी पड़े, जो चाहे हम करेंगे, लेकिन हम इन मजलूमों पर जुल्म होता नहीं देख सकते। और उधर बॉस्निया का हाल यह है कि मुसलमानों को बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश के तौर पर सिर्फ मजालिम का निशाना नहीं बनाया जा रहा, बल्कि स्कीम यह है कि उस खित्ते से मुसलमानों को सफाया कर दिया जाए। और जब कहा जाए कि यहां ताकत को क्यों इस्तेमाल नहीं करते, तो अव्वल तो ताखीर के बहाने बहुत थे, अब यह उजर तलाश पेश किया जा रहा है कि हम एक और वियतनाम नहीं बनाना चाहते। कैसे हो सकता है कि हम एक वियतनाम बना दें? सद्दाम हुसैन के ऊपर हाथ डालने में बड़ी जुर्रत की गई थी, बावजूद इसके कि कहा यह जाता था कि सद्दाम हुसैन इतनी बड़ी ताकत बन चुका है कि जर्मनी का हिटलर याद आता है इसको देखकर, और इराक हिटलर का जर्मनी बन चुका है। वहां कोई खौफ नहीं था, लेकिन वो नस्ली ग्रोह जिसने बॉस्निया के मुसलमानों पर जुल्म शुरू किए हैं, यूगोस्लाविया से ताल्लुक रखने वाला, उसकी हमायत नहीं है दरअसल, बल्कि इस्लाम के साथ बुग्ज है जो इसके पीछे कार फरमा है। और उधर यह तराशा जा रहा है कि हम ये नहीं चाहते कि यहां एक वियतनाम बन जाए, एक और लंबी जंग शुरू हो जाए। हालांकि वो शख्स जिसको तारीख हाजरा की मामूली सी भी शुद्ध बुद्ध हो या सियासत से जरा भी आगाही हो, वो जानता है कि वियतनाम इसलिए बना था कि उसके पीछे रूस और चीन की ताकतें थीं, और खुसूसन रूस ने गैर मामूली तौर पर वियतनाम को हर किस्म के असलहे मुहैया किए, वो ताकत दी, उनको इनकी रहनुमाई की, जंगी मशकें वहां करवाई गईं, उनको गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग दी गई, बहुत ही गैर मामूली तौर पर बैरूनी मदद और बैरूनी तालीम तरबियत के नतीजे में वियतनाम बना था। आज जबकि रूस इनके साथ मगरबी ताकतों के साथ मिल चुका है, आज जबकि चीन की कोई ताकत ही नहीं रही कि वो अलहदा अपनी मर्जी से किसी मुल्क में कोई फसाद बर्पा कर सके, तो यूगोस्लाविया जैसे मुल्क की मजाल क्या है कि वो बड़ी ताकतों के मुकाबले पर सर उठा सके? चारों तरफ से वो ऐसी रियासतों में घिरा पड़ा है जिनमें से कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकती। लेकिन ऐसे ऐसे अजीब उजर आप सुनेंगे इनकी तरफ से कि अकल दंग रह जाती है, और अवामुन नास का यह हाल है कि वो इनको कबूल किए चले जाते हैं। बस हर बात झूठ हो चुकी है, और इसके पीछे दरअसल जो बॉस्निया का मामला है उसके पीछे दरअसल इस्लाम दुश्मनी है। मैं इसे इस तरह देख रहा हूं कि गुज़श्ता तारीख में यूरोप में तुर्की ने एक किरदार अदा किया, और कई यूरोपियन रियासतों पर इस्लाम का गलबा एक लंबे अरसे तक रहा, और उसके उन ताकतों के टूटने के बावजूद भी बाद इलाकों में मुसलमानों की भारी तादाद मौजूद रही। लेकिन आजाद रियासत के तौर पर एक बॉस्निया थी जो भारी मुस्लिम अक्सरियत की थी और यूरोपियन थी और आजाद थी। अब दोबारा इसको वही पहली सी सियासी ताकत के तौर पर कबूल किया गया, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था कि यूरोप में इस्लाम का कोई दखल रह जाए। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था कि यूरोप में
किसी वक्त भी तुर्की को फिर दखल अंदाजी का कोई मौका फराहम किया जाए। बस ये जो खेल खेली जा रही है ये ईसाइयत के हक में नहीं है बल्कि इस्लाम की दुश्मनी है। देहरियों को भी इस्लाम से दुश्मनी है, यहूद को भी इस्लाम से दुश्मनी है, ईसाइयों को भी इस्लाम से दुश्मनी है। ये बुग़्ज़े मुआविया हुब्बे अली नहीं है। बस इसके खातिर जितने चाहो झूठे बहाने बना लो और सारी कौम कबूल करने के लिए तैयार बैठी है। सारी मगरबी दुनिया या वो मशरकी दुनिया जो इनके ताबे फरमान है वो इनको कबूल किए चली जाती है और मुसलमान बेचारों को बेचारे होशी कोई नहीं है। अगर से ऐसी लग बातें करता है वो यानी मुसलमान सियासतदान कि उससे भी तबीयत में कराहत पैदा होती है और सख्त तकलीफ पहुंचती है। मदद तुम कैसे कर सकते हो? जिन कौमों ने ये जुल्म किया है उनका साथ छोड़ने की तुम में जान नहीं, ताकत नहीं है, मजाल नहीं है कि उनसे अपने ताल्लुकात तोड़ो या उनको इक्तसादी रिटेलिएशन, इक्तसादी रद्द अमल की धमकी दे दो। उस हद तक दो जिस हद तक तुम कर सकते हो। ये तो तौफीक नहीं है किसी को कि बाकायदा मनसूबा बना के उतनी बात करे जो सच्ची हो, जिस पर अमल दरामद की तौफीक हो और गैर दुनिया ये समझ ले कि इस्लामी दुनिया इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। उसकी बजाय बयान ये हो रहे हैं कि हम पाकिस्तान कहता है हम फौज भेजने के लिए तैयार हैं, जमात इस्लामी का दावा होता है कि चलो रजाकार भर्ती करो और भिजवाओ वहां। पागलपन है। कौन से रजाकार कैसे पहुंचे, किसमें ताकत है, किसकी मजाल है कि इन मामलात में दखल दे, सारे झूठ के किस्से हैं। बस ये मिसाल मैंने दी है खोलकर कि वो दुनिया, वो वक्त जिसमें सब कुछ झूठ हो चुका है, ये वही दौर है जिसके मुताबिक कुरान करीम ने फरमाया वल असर इन्नल इंसान रफी खुस। जमाना गवाह है कि इंसान बहसियत इंसान घाटे में है। बस आप जहां भी तलाश करके देखें सारी दुनिया बुतों की आमाजगाह बन चुकी है। हर दिल में झूठ के बुत ने कब्जा किया हुआ है। मतलब की बात है, जब मतलब दरपेश हो तो जरूर झूठ से काम लिया जाता है। बहुत कम ऐसे शरफा हैं, बहुत कम ऐसे मुवाहिद हैं जो सख्त इब्तला में पढ़कर भी सच्चाई से काम लेते हैं। बस इसलिए जमात अहमदिया जब तौहीद का दावेदार है, जमात अहमदिया का इद्दिया यह है कि इस दुनिया से हमने शिर्क का कला कमा करना है, तो ये बातें मजमून निगारियों या तकरीरों से तो नहीं हो सकती। इसके लिए तो अजीम इनकलाबी जिद्दोजहद की जरूरत होगी और ये इनकलाब हमारे नफूस में बरपा होना होगा। ये ऐसा इनकलाब नहीं है जो आपके सीनों से उछल पड़े जब तक सीनों में बरपा ना हो। बस पहले अपने आमाल, अपने किरदार, अपने ख्यालात, अपनी गुफ्तार में एक इनकलाब बरपा करें, अपने आप को मुवाहिद बनाएं, झूठ से कुल्लियतन हिजरत करके तौहीद के दामन में पनाह ले लें। फिर खुदा ताला के फजल से आपको वो ताकत नसीब होगी जिसके नतीजे में दुनिया में आप एक अजीम इनकलाब बरपा कर सकेंगे। और ये ताकत तौहीद की ही ताकत है। वो एक ताकत जिसने लाजमन फतह याब होना है वो तौहीद की ताकत है। वो एक ताकत जिसके लिए खुदा की गैरत किसी और चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी मद्दे मुकाबल को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो तौहीद की ताकत है। बस जब आप मुवाहिद होकर खुदा की जात में गुम होते हैं, इसी का नाम तबत्तुल्लाह है। और तबत्तुल के रस्तों में, तरीक में सबसे बड़ा तबत्तुल झूठ से होना, झूठ से इख्तियार करना जरूरी है। और सबसे बड़ा शिर्क झूठ ही का शिर्क है। बस इस पहलू से मैं आपको समझा रहा हूं कि ये कोई नजरियाती बहसें नहीं है। हकीकत की दुनिया में उतर कर हमें रोजमर्रा की जिंदगी में उन बुतों की तलाश करना होगा, उनकी निशानदेही करना होगा, उनकी निशानदेही करनी होगी जो बुत रोजमर्रा हमारी जिंदगी पर हावी होते हैं, हमारी बातों, हमारी तर्ज अमल पर उनका इख्तियार है। और हम मुवाहिद हैं और उसके बावजूद बस बयक वक्त खुदा के सामने भी सर टेक रहे हैं और गैरुल्लाह के सामने भी दिल पेश कर रहे हैं। बस ये जो मुतजाद जिंदगी की कैफियत है ये काबिल कबूल नहीं है। तजाद खुद झूठ होता है। बस जहां तजाद पैदा हो जाए वहां सारी जिंदगी झूठ बन जाती है।
इसका शऊर पैदा करने की जरूरत है हर अहमदी घर में, हर मर्द औरत बच्चे हरेक के दिल में पूरी कुव्वत के साथ झूठ के खिलाफ नफरत पैदा करने की जरूरत है। और हजरत अब्दुल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रंग में इस मजमून पर रोशनी डाली है उसे बार बार घरों में पेश किया जाना जरूरी है। मैं अब चंद अहादीस आपके सामने रखता हूं जो हजरत अब्दुल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निसाएं हैं। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें सच इख्तियार करना चाहिए क्योंकि सच नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और नेकी जन्नत में ले जाती है। इंसान सच बोलता है और सच बोलने की कोशिश करता है यहां तक कि अल्लाह के यहां सिद्दीक लिखा जाता है। तुम्हें झूठ से बचना चाहिए क्योंकि झूठ फिस्को फजूर का बायस बन जाता है और फिस्को फजूर सीधा आग की तरफ ले जाते हैं। एक शख्स झूठ बोलता है और झूठ का आदी हो जाता है यहां तक कि अल्लाह के यहां कज्जाब यानी सख्त झूठा लिखा जाता है। इस फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ठहर कर गौर करने की जरूरत है। आपने फरमाया सच नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और झूठ बदी की तरफ रहनुमाई करता है। अमरे वाकया यह है कि जितने जुर्म दुनिया में हो रहे हैं उनमें शायद ही कोई जुर्म ऐसा होगा जिसका ताल्लुक झूठ से न हो। शायद से मुराद वो जुर्म है जो इश्तियाल अंगेजी के वक्त बगैर सोची समझी स्कीम के ताबे अचानक रूनुमा होते हैं। उनमें झूठ बाद में आता है, इंसान बाद में सोचता है कि मैं कैसे झूठ बोलकर अपने अमल की पैदाश से बच सकूंगा। लेकिन भारी अक्सरियत जराइम की वो है जो झूठ के बच्चों के तौर पर रूनुमा होते हैं। एक जुर्म करने वाला पहले यह सोचता है कि इस जुर्म के नतीजे में अगर पकड़ा जाऊं, अगर कोई गवाही हाथ किसी के हाथ आ जाए, कोई मेरे जुर्म का निशान मिल जाए तो मैं क्या उजर तलाशूंगा। पहले झूठ का ताना बाना बुना जाता है, फिर उस ताने बाने के लिबास में इंसान बज़ाहिर दुनिया की नजर से पोशीदा होकर फिर जुर्म का इर्तिकाब करता है। और ये चीज जो है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जिंदगी के हर शोबे पर हावी है। मियां बीवी के ताल्लुकात में भी हावी है, मां बाप के ताल्लुकात में भी हावी है, पर भी हावी है। जहां भी कोई जुल्म हो, जहां भी किसी से कोई बेतदाली हो, नाइंसाफी का सलूक किया जाए या किसी के खिलाफ कोई मुजरिमाना हरकत की जाए, अगर आप उन नीयतों का तजिया करें तो हमेशा उससे पहले झूठ होगा। झूठ एक नीयत के अंदर दाखिल होकर हमला करने वाली चीज है। जिस तरह कुरान करीम ने शैतान के मुतालिक फरमाया है कि तुम पर वहां से हमले करता है जहां से तुम्हें दिखाई नहीं देता। वो कौन सी जगह है जहां दिखाई नहीं देता? बसा औकात इंसान की नीयत में जो बदबी जो फसाद पोशीदा हो वो दिखाई नहीं दिया करता। और नीयत के फसाद के साथ एक गुनाह का इरादा करने वाला इंसान बसा औकात खुद इस बात से वाकिफ ही नहीं होता कि अव्वल से लेकर आखिर तक मेरी नीयत फसाद की थी और बद थी। यहां तक कि अक्सर औकात ये नीयतें इंसान से छुप जाती हैं और वो जो सोच रहा है और तरकीबें कर रहा है कि मैं ये झूठ बोलूंगा और इसका बोलूंगा और ये करूंगा, ये सारी बातें उसकी आंखों के सामने उसके वजूद के अंदर वाकया हो रही होती हैं। उसको पता नहीं लग रहा होता कि मैं क्या कर रहा हूं। बस आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि झूठ बदी पैदा करता है तो वाकयातन तमाम जराइम में सबसे ज्यादा अमल करने वाला एक वाहिद सबसे ज्यादा किरदार अदा करने वाला अगर एक वाहिद गुना चुना जाए तो वो झूठ ही है। और इसका ताल्लुक इनफरादी ताल्लुकात से भी है और कौमी ताल्लुकात से भी है, तिजारत से भी है और सियासत से भी है। दुनिया के हर शोबे पर ये बात हावी है, पहले झूठ है फिर बदियां पैदा होती हैं। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर एक शख्स को नसीहत फरमाई कि तुम झूठ ना बोलो।
वाकया यूं हुआ कि उसने हजूर से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मैं बहुत बद इंसान हूं, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सारी नेकियां अख्तियार कर लूं और सारी बदियों से कता ताल्लुकी कर लूं, मुझे एक हुक्म फरमाएं, यह मैं अहद करता हूं कि जो नसीहत फरमाएंगे उस पर मैं जरूर अमल करूंगा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा इतनी सी बात है तो सिर्फ यह वादा कर लो कि झूठ नहीं बोलोगे। उसने कहा, हां ये तो कोई मामूली बात है, ये मैं वादा करता हूं झूठ नहीं बोलूंगा। उसके बाद जब वो बाहर निकला तो एक बदी का ख्याल आया और मान ख्याल आया कि अगर ये मैं पकड़ा गया तो करूंगा क्या, क्योंकि सोच को खुद ये आदत होती है कि बदी के साथ ही बहाने ढूंढ रही होती है कि मैं किस तरह अपना बचाव करूंगा, सोच बहाने ढूंढ रही होती किस तरह मैं अपना बचाव करूंगी या बदी करने वाले का बचाव होगा। तो जब उसने सोचा तो उसको ख्याल आया कि ये तो झूठ के सिवा मेरा बचाव हो ही नहीं सकता। चोर था, रात को चोरी के लिए निकला, तो ख्याल आया कि अगर मैं पकड़ा गया तो क्या कहूंगा, या रस्ते में किसी ने पूछ लिया कि कहां जा रहे तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं तो वादा कर बैठा हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गर्जी के ये सोच बढ़ती चली गई और उसकी बदियों के हर दायरे से झूठ का ताल्लुक निकला, यहां तक कि बिलआखिर उसको हर बदी से तौबा करनी पड़ी। और अल्लाह ताला के फजल के साथ, क्योंकि वो इस मामले में सच्चा था कि झूठ नहीं बोलेगा, फिर सच के नेक बच्चे पैदा होने शुरू हुए और खुदा के फजल से उसको कसरत के साथ नेकियों की तौफीक मिली। तो ये वही मजमून है जिसे हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इंसान सच बोलता है तो उसके नतीजे में नेकियां पैदा होती हैं, झूठ बोलता है तो उसके नतीजे में बदियां पैदा होती हैं। फरमाया इंसान सच बोलता है, सच बोलने की कोशिश करता है, ये भी बहुत ही अजीम कलाम है, एक आरिफ बिल्ला का कलाम है जो इंसानी फितरत पर गहरी नजर रखता है। सिर्फ ये नहीं फरमाया कि सच बोलता है, फरमाया सच बोलने की कोशिश करता है, जिसका मतलब यह है कि सारी जिंदगी इंसान को सच के मामले में जिहाद करना पड़ता है। जिसको एक सतह से देखा जाए और वो सच्चा निकलता हो, अगर दूसरी सतह से देखा जाए तो वही शख्स बास पहलू से झूठा भी निकलेगा। और आजमाइशों की बात है, कैसी बड़ी आजमाइश है, किस नौ की आजमाइश है और उसके मिजाज से उस आजमाइश का क्या ताल्लुक है, बहुत से अवामिल हैं जो मिलकर यह फैसला करते हैं कि कोई इंसान खुदा के नजदीक सच्चा ठहरता है या नहीं। उस रोजमर्रा की जिंदगी में सच बोलने वाले झूठे निकलाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में झूठ बोलने वाले जब कोई मतलब न हो तो सच भी बोल देते हैं। बस आहू फरमाते हैं कोशिश करता है, एक ऐसी कोशिश जो जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो, ऐसा शख्स आप फरमाते हैं बाज दफा ऐसे मर्तबे तक पहुंच जाता है कि खुदा के हाथ सिद्दीक लिखा जाता है। और फिस्को फजूर के मुतल्लिक फरमाया, झूठ फिस्को फजूर का बायस बन जाता है और ये आग की तरह ले जाता है, यहां तक कि अल्लाह के यहां कज़्ज़ाब लिखा जाता है। बस जो झूठ बोलने वाला है उसको मैं ये मुतवज्जे करना चाहता हूं कि वो एक मुकाम पर नहीं ठहरा रहेगा, अगर उसने झूठ के खिलाफ जिहाद नहीं किया तो वो अपने झूठ में लाजिमन बढ़ेगा। मैंने कोई झूठा नहीं देखा जो रुख मोड़े बगैर अपनी एक हालत पर करार पकड़ गया हो, जितना झूठ बोलता था कल भी उतना ही बोले, 10 दिन के बाद भी उतना झूठ बोले, आइंदा साल भी उतना ही झूठ बोले, अगर वह झूठ से परहेज की कोशिश नहीं शुरू करता तो लाजिमन झूठ में तरक्की करता है। और वो शख्स जो सच बोलने की कोशिश करता है वो लाजिमन सच में तरक्की करता है। पर आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को गौर से सुने और समझें। आप ये फरमा रहे हैं कि झूठ बोलने वालों, अगर तुम बाज नहीं आओगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि खुदा के नजदीक तुम कज़्ज़ाब लिखे जाओगे। और ऐ सच बोलने वालों, अपनी कोशिश में थक ना जाना, अगर तुम सच बोलने की कोशिश करते चले जाओगे तो ऐसा वक्त आ सकता है कि खुदा के यहां तुम सिद्दीक लिखे जाओ। पर सारी जमात को झूठ से एतराज की कोशिश की हालत में जान देनी चाहिए और सच की तरफ कदम उठाते हुए जान देनी चाहिए, फिर जिस मंजिल पर भी जान निकले वही कामयाबी की मंजिल है।
अल्लाह ताला हमें इसकी कमा हो कोई तौफीक अता फरमाए। एक मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें सबसे बड़े गुनाह न बताऊं? हज़रत अबू बकरा रवायत करते हैं कि हमने अर्ज किया, जी हुजूर जरूर बताएं। आपने फरमाया, अल्लाह का शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना, ये दो बातें बयान फरमाई। अल्लाह का शरीक ठहराना बहुत बड़ा गुनाह है और वालिदैन की नाफरमानी करना बहुत बड़ा गुनाह है। आप तकिए का सहारा लिए हुए थे, जोश में आकर बैठ गए और बड़े जोर से फरमाया, देखो तीसरा बड़ा गुनाह झूठ बोलना और झूठी गवाही देना है। आपने इस बात को इतनी दफा दोहराया कि हमने चाहा, काश हुजूर अब खामोश हो जाएं कि हुजूर को बार बार दोहराने से तकलीफ न पहुंचे। तो झूठ का जब जिक्र आया तो तबीयत में एक गैर मामूली जोश पैदा हो गया और बार बार फरमाया कि देखो झूठ नहीं बोलना और झूठी गवाही नहीं देनी। अब आप मुल्कों का जायजा लेके देखें, जो सच्चे मुल्क कहलाते हैं वहां भी झूठ और झूठी गवाहियां एक रोजमर्रा की जिंदगी का दस्तूर बनता जा रहा है। लेकिन वो ममालिक जो बदनसीबी से झूठ में एक खास मकाम हासिल कर चुके हैं, उनके यहां सबसे ज्यादा झूठ अदालतों में मिलता है, जिससे खसूसियत के साथ सबसे ज्यादा जोर के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और बार बार तंबीह फरमाई कि देखो झूठ नहीं बोलना और झूठी गवाही नहीं देना। लेकिन अमर वाकया यह है कि वो ममालिक जो इस्लामी 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 होने के दावे करते चले जा रहे हैं और सारी दुनिया में शोर डाल रहे हैं कि हम हैं जो इस्लाम की इज्जत और एहतराम, इस्लाम की इज्जत और वकार को कायम करने वाले हैं, हम हैं जो शरीयत का एहतराम दुनिया में कायम करने वाले हैं, हम हैं जो इस्लामी निजाम को दुनिया में दोबारा राज करने वाले हैं, वो ये नहीं सोचते कि यह निजाम किन लोगों पर राज होगा, इस्लामी अदल किन अदालतों में जलवे दिखाएगा। वो अदालतें जहां हर गवाह झूठा हो, जहां मुकदमे की बिना झूठी हो, जहां मुकदमे के मकासिद झूठ पर मबनी हो, जहां अव्वल से आखिर तक सारा ताना बाना झूठ से बुना जा रहा हो, उसका इस्लामी निजाम अदल से क्या ताल्लुक है? लेकिन ये दावा भी झूठा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ही इज लिविंग ए लाई। बास कौमें अपनी बदबख्ती से झूठ की जिंदगी बसर कर रही, और तीसरी दुनिया में ऐसे ममालिक बहुत ज्यादा हैं तादाद में, जहां अक्सरियत ऐसे बाशिंदों पर मुश्तमिल है जहां झूठ से कोई आर नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। सवाए मशरिक बईद के, वहां खुदा के फजल से झूठ बहुत कम मिलता है, यानी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह के हालात हैं वो मुख्तलिफ हैं, और कोरिया और चीन और हिंद चीनी वगैरह के जज़ायर के हालात मुख्तलिफ हैं, वहां निस्बतन कम झूठ है, और जहां झूठ कम है वहां इक्तिसादी तरक्की ज्यादा है। इन दो बातों का गहरा रिश्ता है, और आगे गालिबन वो हदीस आएगी जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिज्क में बरकत, या हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की यह तहरीर है कि रिज्क में बरकत सच से होती है, वो झूठे हैं जो समझते हैं कि झूठ से हमारे रिज्क में बरकत पड़ेगी, रिज्क से असल बरकत सच में होती है। मशरिक बईद में सबसे ज्यादा इक्तिसादी लिहाज से तरक्की याफ्ता मुल्क जापान है, और सबसे ज्यादा सच जापान में बोला जाता है। मैंने वहां जाकर सील से जायजा लिया, और वहां जो मजालिस हुई और जो बाज़ दफा दानिश्वरों से खिताब हुए, उनमें मैंने खुल के उनको खराज तहसीन पेश किया। मैंने कहा, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक के मुकाबले पर जापान में सच बहुत ज्यादा गहराई के साथ नाफिज है, और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में झूठ का तसव्वुर ही कोई नहीं, और अल्लाह ताला के फजल के साथ सबसे ज्यादा रिज्क की फरावानी भी उसी मुल्क में है। बस वो कौमें जो झूठी हो जाएं वहां रिज्क को बरकत नहीं मिलती, और कोई झूठा खुदा उनका रब नहीं बना करता। इस नुक्ते को कम से कम समझ लें, अगर वैसे झूठ से नफरत नहीं तो रिज्क से तो मोहब्बत बहुत है,
यही अगर समझ जाएं कि रिज्क सच से मिलेगा, झूठ से नहीं मिलेगा, तो इससे ही इन कौमों में अजीम इनकलाब बर्पा हो सकते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि इंसान के झूठे होने की यही इलामत काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात लोगों में बयान करता फिरे। अब आप अपनी सोसाइटी का जायजा लेके देखें, जहां झूठ ज्यादा हो वहां ये आदत रोजमर्रा आम तौर पर हर तबके में मिलती है कि इधर से बात सुनी उधर ले उड़े और दूसरी तरफ से बातें बयान करनी शुरू कर दें। अजीब किस्म की बेहूदा गंदी आदत है, इसलिए कि इसका चस्का है, इसके पस मंजर में बहुत सी नफसियाती खराबियां हैं, नफसियाती टेढ़ापन है, कजियां हैं, जिनके नतीजे में यह आदत पैदा होती है। अगर अपने भाई से, यानी भाई से मुराद यह है कि अपने हम वतन, अपने हम शहरी, अपने ताल्लुकदार से दिली मोहब्बत ना हो तो इंसान उसकी बुराई की तलाश में रहता है, और जिससे मोहब्बत हो उसकी बुराई पर पर्दा डालता है और उसकी खूबियों को उछालता है। तो जिन सोसाइटियों में चोलखोरियां या सुनी सुनाई बात को आगे बयान करने की आदत हो, वहां दरअसल इस मर्ज की निशानदेही होती है कि उस सोसाइटी में बुग्ज है, उस सोसाइटी में हसद है, उसमें मोहब्बत का फुकदान है, भाई भाई से जलता है और उसका दुश्मन है। बस जिस जब भी कोई बुराई की बात कान में पड़े फौरन आगे बयान करने शुरू कर देते हैं, और उसके अलावा मिजाज का झूठा होना इस आदत को रिवाज देता है। जिस शख्स का मिजाज झूठा हो वो तहकीक की तरफ मायल ही नहीं होता, जिसका मिजाज सच्चा हो वो तहकीक की तरफ मायल होता है। अगर किसी सच्चे के सामने आप कोई बात करें ऐसी, फौरन पूछेगा बताओ तुमने किससे सुनी थी, वो कौन शख्स है, उसके मुताबिक जायजा लेगा कि वो कैसा था। अगर वो सच्चा हो तो फिर बात को आगे बढ़ाकर मजीद जस्तजू करेगा, अगर वो झूठा हो तो वही उस बात को तर्क कर देगा कि जिसे तुमने रिवायत की है वो तो है झूठा आदमी। लेकिन बसा औकात तहकीक के नतीजे में लोग दूसरे का नाम भी नहीं बताते। मैंने तो जब भी तहकीक की है हमेशा यही देखा है कि लोग कोशिश करते हैं कि नाम किसी का पता ही ना लगे। अभी पीछे मुझसे किसी ने इन दिनों में, जलसे के दिनों में किसी ने शिकायत की कि जी लोग ये बातें करते हैं। मैंने कहा मुझे नाम बताओ, एक आदमी का नाम बताओ किसने ये बात की है। तो शिकायत करने वाले ने कहा जी लोग आम बातें करते हैं। मैंने कहा आम बातें करते हैं, किसी इंसान से तूने बात सुनी है या फरिश्ते हवा में बातें कर रहे हैं या जिन हैं जो ये तस्करे कर रहे हैं, किसी का एक का नाम बताओ। कोई नाम नहीं निकला। असल में दिल की बातें हैं वहां से उछलती हैं। तो बोझ के नतीजे में इंसान इस बात का भी मोहताज नहीं है किसी से सुन के आगे बात करे। अपने दिल में जो ख्यालात पैदा हो जाते हैं उनको ही इंसान दूसरों की तरफ मंसूब करके पेश करना शुरू कर देता है। उस मजलिस में इत्तेफाक से कुछ 100-200 आदमी और भी थे, चुनाचे उनसे मैंने सवाल किया। मैंने कहा अच्छा मैं इसको छोड़ देता हूं, आप बताएं आप में से किसी एक ने कोई ये बात कही है या ये बात सुनी है। तो 100% उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा हम भी तो साथ रहे हैं, ना हम में से किसी ने कही ना हम में से किसी ने सुनी। तभी कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के झूठा होने के लिए यही इलामत काफी है कि वो सुनता है और बात को आगे चला देता है। ऐसी बेहूदा आदत थी, इसके ये चस्के की भी है ये बात। अगर इंसान को आप कुछ हासिल ना हो तो दूसरे को नीचा दिखाने में एक उसको मजा मिलता है। इंसानी फितरत है कि मैं ऊंचा हूं, तो जिन बेचारों को ऊंचा होना ना आता हो वो दूसरे का सर नीचे करके ऊंचा होते हैं। तालाब में बाज लड़के दूसरे को सिर हाथ मार के भी डुबो दिया करते थे, ये भी एक फखर है। तो जो बेकार कौमें हो जाएं, निकम्मी हो जाएं, जहां झूठ की आदत हो, बेहूदा बातें हों, वहां ये रोजमर्रा की आदतें हैं कि बातें सुनी आगे चलाई और फिर बड़े चस्के लिए इस बात पर। और एक और वजह इसकी ये होती है कि बाज बदियां ऐसी हैं
जिनके फैलाने में मजा मिलता है लोगों को, और इसलिए फैलाते हैं कि ताकि लोगों में ये बात हो कि तो कोई हर्ज नहीं, फलां भी इस तरह करता है, फलां भी इस तरह करता है, हम भी कर लें तो क्या हर्ज है। तो अपनी बदियों के रुझान को तकवीयत देने के लिए बाद लोग सुनी सुनाई बातें अगर अच्छे लोगों के मुतालिक मंसूब की तरफ मंसूब हों वो फौरन अखज करते हैं और आगे चला देते हैं। तो एक झूठ है जो चार माओं का बच्चा है और आगे फिर बड़े बच्चे पैदा करेगा नापाक। झूठ के ऊपर भी गंध है, नीचे भी गंध है, ऐसी गलीज चीज है कि इसको कुरान करीम ने जब नजस के साथ मिलाया तो बहुत ही खूब मिलाया। नहायत नापाक चीज है, गंदी मां बाप की औलाद और गंदे बच्चे पैदा करने वाला, और बदनसीबी से सबसे ज्यादा ताल्लुक इंसान को झूठ से है। तो बहुत बड़ा शिर्क है, इससे तौबा की जाए, और अगर हमने कोशिश न की और गैर मामूली जहाद न किया और पूरी तवज्जो और दुआ के साथ झूठ को के इजाले की कोशिश न की तो आपको अंदाजा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में जो नेकों की सोसाइटी है उसमें भी झूठ ने कितनी कितनी जड़ें जमाई हुई हैं और किन किन जगहों में ये बुत पोशीदा है। इसको तो नंगा करके निकालना पड़ेगा, जड़ों को भी खोद खोद कर बाहर निकालना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपनी ये आदत डालें कि जब कोई नीयत दिल में जन्म लेने लगे, कोई ख्याल पैदा हो, किसी के पास जा रहे हैं, उसके सामने कोई बात करनी है, तो उस वक्त अपनी सोच के साथ साथ अपने दिल में उतरें और सोच की आखिरी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। जिस वक्त ये सोच पैदा हो रही होती है वो वक्त है, ताजा ताजा वक्त, कि उसके कदमों के निशान मिलते हैं और उन कदमों के निशानों की पैरवी में खोज लगाते हुए आप उसके आखिरी किनारे तक पहुंच सकते हैं। जब ये सोच पुख्ता हो चुकी हो या आगे किसी बदी को पैदा कर चुकी हो, फिर वक्त हाथ से गुजर चुका है, फिर आप इसकी पैरवी नहीं कर सकते। बस ये आदत डालें कि जो भी बात हो उसकी उस सोच का तजिया करें, और आप हैरान होंगे ये देखकर कि बिल्कुल रोजमर्रा की मासूम बातों में भी नफ्स को झूठे बहानों की आदत है। रोजमर्रा की मुलाकात में ही ऐसी बातें कर जाता है जो बिल्कुल खोखली होती हैं और बेमानी हैं, जिनका सच से कोई ताल्लुक नहीं। बस अगर इंसान को आदत हो उसका सुराग लगाए और वापस पहुंचे कि मैंने ये बात क्यों कर दी थी, मुझे फलां साहब रस्ते में मिले थे, मैंने उनको ये कह दिया, तो अक्सर बातें इसलिए कही हैं कि मैं और ज्यादा अच्छा बनूं उसके सामने, और अच्छा बनने के शौक में बहुत सी जगह झूठ के सहारे लिए जाते हैं। बस इंसान को जब तक झूठ की तलाश की आदत ना हो, यानी झूठी नीयतों की जड़ों तक पहुंचने की आदत ना हो, हकीकत में वो झूठ पर गलबा नहीं पा सकता। वही नुक्ता, बुनियादी नुक्ता है जो कुरान करीम ने बयान फरमाया कि खबरदार, शैतान तुम पर ऐसी जगहों से हमले करेगा जहां से तुम उसको नहीं देख सकते। ये मुराद नहीं है कि कोशिश भी करोगे तो नहीं देख सकते। अगर ये मुराद होती तो कोई नेक इंसान भी शैतान के हमले से अमन में ना होता। मगर साथ ही ये भी तो फरमाया कि ऐ शैतान, तुझको मेरे बंदों पर गलबा नसीब नहीं होगा, जिसका मतलब है कि वो देखते भी हैं, पहचानते भी हैं, जानते भी हैं। ये जो जिक्र फरमाया गया कि नहीं देख सकते, ये गाफिल लोगों का जिक्र है, आमतुन नास का जिक्र है। लेकिन अगर तुम जस्तुजू की कोशिश करो, पहचान की कोशिश करो, खुदा से ताल्लुक हो, दुआ करते हुए कोशिश करो, तो शैतान अपनी हर कमीनगाह में नंगा हो सकता है, हर जगह पहचाना जा सकता है। मुनाफिकत की बातें बहुत होती हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की एक पहचान बयान फरमाई, चार बातें फरमाई कि ये अगर किसी में पाई जाए तो वो मुनाफिक है। अव्वल, जब बात करे तो झूठ बोले। दूसरे, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। तीसरे, जब झगड़ा करे तो गालियां बके। चौथे, जब अहद करे तो अहद शिकनी करें। दरअसल ये एक जगह तीन बातें भी बयान हुई हैं, ये वादा करे तो वादा खिलाफी करे और अहद करे तो अहद शिकनी करे। दरअसल ये एक ही बात की दो शाखें हैं,
यानी एक बारीक फर्क है दोनों में, वरना बुनियादी तौर पर एक ही बात है। मुझे याद है एक दफा जनूबी अफ्रीका की अदालत में जब एक अहमदी वकील अहमदी गवाह पर मद्दे मुकाबिल ने यह इल्जाम लगाया कि तुम मुनाफिक हो और जमात अहमदिया मुनाफिक है, ये ऊपर से कलमा पढ़ती है और अंदर से कुछ और सोचती है, तो उन्होंने यही हदीस पेश की और इसका सहारा लेकर अदालत के सामने उसके छक्के छोड़ा दिए। उन्होंने फरमाया कि अहमदी सोसाइटी भी यहां मौजूद है, तुम्हारी सोसाइटी जिसको तुम गैर मुनाफिक कह रहे हो वो भी मौजूद है, और ये मैं आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश करदा तीन निशानियां तुम्हारे सामने रखता हूं। अदालत आलिया का काम है कि वो दोनों सोसाइटियों का जायजा लेकर देखे कि कौन सी मुनाफिक सोसाइटी है और कौन सी नहीं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब गुफ्तगू करे तो झगड़ा बहस करे तो गालियां बकना शुरू कर दे, और जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। अल्लाह ताला के फजल से इसी दलील के नतीजे में उसे बहुत बड़ी फतह नसीब हुई, क्योंकि ये वहां की जो सोसाइटी की आम बुराइयां हैं वो सबको मालूम हैं, और बदनसीबी से उन लोगों में जो इनके मद्दे मुकाबल थे उनमें ये तीनों बातें पाई जाती थी। हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर बयान फरमाते हैं कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हमारे घर में मौजूद थे तो मेरी उम्मी ने मुझे कहा आओ तुम्हें कुछ देती हूं। आमतौर पर माएं या बाज़ दफा बाप भी किसी बच्चे को मजलिस से उठाना हो तो कोई बहाना बनाकर उठा लेते हैं, और छोटे बच्चे को कहा जाए कि आओ मैं तुम्हें कुछ दूं तो फौरन उठ जाएगा, वरना उस वक्त खासतौर पर जब बच्चा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा हुआ था उसके लिए उठना बड़ा मुश्किल था, तो मां ने कहा आओ मैं तुम्हें कुछ देती हूं। तो मां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां को मुखातिब करके फरमाया कि क्या देने का इरादा है, तो मां ने कहा या हुज़ूर मैं खजूर दूंगी। आपने फरमाया अगर तू उसे कुछ ना देती तो तुझ पर झूठ लिखा जाता। देखिए कितनी बारीक बातों में आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी गहरी तवज्जो से तरबियत फरमाई है। हमारे घरों में रोजमर्रा जो झूठ की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं वो वहां इस इब्तदा में खाम माल इसी तरह तैयार होता है, माएं भी और बाप भी और बड़ी बहनें भी और भाई भी छोटे बच्चों से झूठे वादे करते हैं कि आओ मैं तुम्हें ये दूंगा, आओ मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, और अक्सर झूठ होता है। यहां तक कि बच्चे फिर खूब अच्छी तरह अपने मां बाप की जहनीयत को समझ जाते हैं और उन पर कतन को एतबार नहीं करते। उस वक्त तो वो सच की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं और मां बाप झूठ की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, लेकिन बदनसीबी यह है कि जब बड़े होते हैं तो फिर ये मामला उलट जाता है। मां बाप झूठे भी हों तो तमन्नाएं नेक रखते हैं, बच्चे शुरू में बजाहिर सच की नुमाइंदगी कर रहे हों लेकिन बिल आखिर बड़े होकर झूठे बन जाते हैं, जिनकी तरबियत इस रंग में हो वो झूठ इख्तियार कर जाते हैं। उस वक्त फिर मां बाप वावेला करते हैं, कहते हैं हाय तुझे क्या हो गया, तू ऐसा निकला, मैं तो तुझे नेक देखना चाहता था या नेक देखना चाहती थी। अगर देखना चाहते थे तो वैसे अमाल करते, वैसी तरबियत करते जैसा चाहते थे, लेकिन अमल और रोजमर्रा की जिंदगी में ये छोटी छोटी बातें हैं जो दिलों में नीयतों में झूठ के पौधे लगा रही होती हैं। उस वक्त वो दिखाई नहीं देते, नश्वो नुमा पाते हैं, बड़े होते हैं, तनावर दरख्त बन जाते हैं और सारी सोसाइटी झूठ के साये तले आ जाती है। बस देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तारीफ पाकीज़ा और कैसी सादा नसीहत फरमाई है, मैं अगर तू कुछ ना देती तेरे नीयत में यह ना होता तो तुझ पर झूठ लिखा जाता, जिसका मतलब है ये मामूली मामूली छोटे छोटे उज़र भी खुदा के नजदीक झूठ लिखे जाते हैं और इंसान का नाम आमाल इसी तरह स्याह होता चला जाता है। एक दफा बहुत पुरानी बात है, अदियान में एक मां बाप अपने बच्चे के साथ सीढ़ियां चढ़ रहे थे, मैं पीछे पीछे था, तो बच्चे के हाथ में एक कौंडा था गन्ना जो जरा लंबा था, इसलिए वो कोनों पर आके अटकता था जगह जगह,
तो मां ने कहा कि मुझे पकड़ा दो, मैं तुम्हें नीचे जाके दे दूंगी, ऊपर जाके दे दूंगी या नीचे जाके, जिधर भी रुख था। तो बच्चे ने कहा हाँ हाँ मैं जानता हूं आपको अच्छी तरह, कुछ खा के देंगी उस तरह नहीं देंगी। अब वो मां की आदत से वाकिफ था और पहचान गया था। बच्चे बड़े जहीन होते हैं, वो मां बाप समझते हैं कि हम चलाकी करके धोखा दे देंगे, धोखा नहीं दे सकते, अपने नफ्स को धोखा देते हैं। और जो बद आदत बच्चे से, जिस बद आदत का मामला वो बच्चे से करते हैं, वो बच्चा फिर आइंदा अपनी नस्लों से उसी बद आदत का मामला करता है, अपने मिलने जुलने वालों से, अपने ताल्लुकात के दायरे में उसी बद आदत को फैलाता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन आदमी तुम उसको पाओगे जो जुल वजहैन हो, जिसके दो चेहरे हों। सोसाइटी में यहां बैठता है तो और चेहरा बना लेता है, वहां बैठता है तो और चेहरा बना लेता है, किसी एक जगह जाता है तो उसके दुश्मनों के खिलाफ बातें शुरू कर देता है, दुश्मनों के पास जाता है तो उस पहले के खिलाफ बातें शुरू कर देता है। तो ऐसे शख्स हैं जो सोसाइटी में नफरतें बोते और बहुत सी बुराइयों को पैदा करने वाले होते हैं। फरमाया यानी वो शख्स जो बड़ा झूठा, मुनाफिक और चुगलखोर है। बस ये तीन बीमारियां इस आदत से निकलती हैं। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नुक्ते की बात यह बयान फरमाई कि कोई शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान हासिल नहीं कर सकता जब तक वो मिजाज में भी झूठ को तरक नहीं कर देता। ये बहुत ही पाकीज़ा बयान है और एक ऐसा लतीफ बयान है जिसे पढ़कर रूह वज्द में आती है। फरमाया कि ईमान में कामिल नहीं हो सकता जब तक झूठ से ऐसी नफरत न हो कि झूठ से नफरत उसके मिजाज का हिस्सा बन चुकी हो। मुझे याद है बचपन में जो सबसे ज्यादा इस लिहाज से मेरी तबीयत पर असर था वो हजरत अम्मा जान रजी अल्लाह ताला अन्हा का था। उनके किरदार में ऐसी गहराई से सच्चाई सब थी कि नामुमकिन था कि झूठ का कोई मामला उनके करीब तक पहुंचे। बात भी सच्ची, किरदार भी सच्चा, बच्चों में सच्चाई देखने वाली, और उनके माहौल में झूठ पनप ही नहीं सकता था, किसी की मजाल नहीं थी कि आपके सामने कोई झूठी बात करे। तो ये हदीस पढ़ते हुए जो एक वजूद मेरे सामने फौरन उभरा है वह हजरत अवलस अम्मा जान रजी अल्लाह ताला अन्हा का था। और हजरत अम्मा जान इस पहलू से हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम की सदाकत की एक जिंदा गवाह थी, जो आखिरी दम तक गवाह रही और आइंदा आपकी यादें हमेशा हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलाम की सदाकत की गवाह रहेंगी। जिसकी बीवी अपनी खावंद की तरबियत में ऐसी हो चुकी हो उसका खावंद कितना सच्चा होगा, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि खावंद झूठा हो और बीवी उसकी हम मिजाज हो, उसकी मुआयद हो और फिर झूठी ना हो। अगर खावंद झूठा है और बीवी उसकी ताइज करती है, उसकी बातों को सच्चा कहती है, तो वह लाजमन झूठी है, और अगर वो सच्ची है तो नामुमकिन है कि खावंद झूठा। बस ऐसा मिजाज पैदा करें कि मिजाज में सच दाखिल हो जाए, ऐसा मिजाज पैदा करें कि मिजाज में झूठ से नफरत हो जाए, यहां तक कि खावंद अपनी बीवियों के हक में गवाही दे कि वो सिद्दीका है और बीवियां अपने खावंदों के हक में गवाही दें कि वो सिद्दीक थे। ऐसे लोगों की नस्लों में फिर सच्चाई पैदा होती है। यही वजह है कि हजरत अम्मा जान की सारी औलाद में, यही वजह से मुराद यह नहीं कि सिर्फ हजरत अम्मा जान की वजह से, मुराद है वालदैन की तरफ से जो विरसा आया है उसमें सबसे ज्यादा नुमाया किरदार यही था कि झूठ बर्दाश्त नहीं था। बाज निस्बतन ज्यादा मुतहम्मिल थे, वो नरमी से, अफ़व व दरगुजर से काम लेते लेकिन झूठ से अपनी नफरत को जरूर जाहिर करते थे, लेकिन बाज खुलकर और बाज बड़ी सख्ती से, जैसे हजरत मुस्लिम मौत की आदत थी, बर्दाश्त ही नहीं था झूठ। किसी बच्चे से मामूली सा झूठ भी जाहिर हो तो बाज दफा भड़क उठते थे, बाज दफा सख्त सजा देते थे, बाज दफा सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाते थे। दिल के हलीम थे लेकिन जुबान की बाज दफा तलखी भी होती थी, जुबान से तलखी भी जाहिर होती थी।
तभी हजरत मिर्जा बशीर अहमद साहब रजी अल्लाह ताला अन्हु से, जो आपके छोटे भाई थे, उनसे किसी ने एक दफा शिकायत की कि इल्हाम में तो है, दिल का हलीम होगा, मगर देखें हजरत साहब मुझ पर कितना नाराज हुए। तो हजरत मियां बशीर अहमद साहब ने मुस्कुराकर फरमाया कि दिल का हलीम, सोचो तो सही कि दिल का हलीम कहा गया है। आपने फरमाया मैं जानता हूं कि नाराज होते हैं तो खुद दिल अंदर से कट रहा होता है और फिर उसके बाद ऐसी दिलदारी करते हैं कि नाराजगी के सारे गम भूल जाते हैं। तो जो दिल के हलीम थे वो जुबान पे झूठ के खिलाफ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करते थे, जो जुबान के भी हलीम थे वो नफरत तो करते थे मगर उस तरह खुलकर अपनी नफरत का इजहार नहीं किया करते थे, मगर देखने वाले को समझ आ जाती थी कि इसकी तबीयत मुनक्कस हो गई है। तो सच से सच पैदा होगा, सच्चों के यहां सच्चे बच्चे पैदा होते हैं, सिवाय इसके कि मुआशरा उनको फिर तबाह कर दे। अल्लाह ताला गंदे मुआशरे से भी बचाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि सारा मुआशरा सच्चा कर दो, ऐसा सच्चा कर दो कि हर अहमदी बच्चे के लिए नस्लन बादा नस्लन सच्चा माहौल इस बात की जमानत पैदा करे कि हर आने वाली नस्ल सच्ची पैदा हो। खुदा करे कि ऐसा ही हो। इसके बगैर हम तबत्तुर इल्लाह इख्तियार नहीं कर सकते, इसके बगैर हम दुनिया को तौहीद से नहीं भर सकते। खुदा ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तग़फिरुहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر